सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस, और हम करेंगे लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए हुए 1 मार्क के क्वेश्चन। इस बार हमारे 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो वन वन मार्क के आने हैं, तो वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा, मैंने क्वेश्चंस एक ही टाइप के लेने की कोशिश की है, बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश की है कि जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से उनका बेस एक बार फिर से बन सके। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। 3x2 इसका ऑर्डर है, यानी कि 3 रो हो, 2 कॉलम हो। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू 1/2 i-3j मोड। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन 2019 में आया है और थर्ड एग्जाम्पल है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो देखिए बेटा, किसी भी मैट्रिक्स को सबसे पहले तो हमें नाम देना होता है। ये एक नंबर में है, बट मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपका 2 में भी आ सकता है। तो अगर हमारा मैट्रिक्स ए है तो हम उसे जनरली aij लेते हैं, और ऑर्डर कितना है भाई, 3x2 है। तो जब ये 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, a11 और a12। ठीक है भाई, और a21 a22, 2 पीछे कॉलम, तो 2 ही कॉलम। कॉलम जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रो होती हैं। और a31 और a32, भाई 3x2 है तो 6 एलिमेंट आएंगे, और वो 6 एलिमेंट ये होंगे। और इनको निकालने के लिए हमें इस रिजल्ट को यूज़ करना है। इनके ऑप्शंस भी थे, ऑप्शंस मैंने नोट नहीं किए हैं क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखिए, अब आपको क्या गिवन है कि भाई aij का मतलब है 1/2 मॉडुलस ऑफ i-3j। ठीक है, अब आपने पहले 1 1 निकालना है, 1 2 2 1, मतलब ये 6 एलिमेंट्स हमने निकाल लिए। तो 1 1 का मतलब यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी हमने i के प्लेस पर भी 1 रखना है और j के प्लेस पर भी 1 रखना है। तो हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो a11 मिलेगा, यानी 1/2 i के प्लेस पे 1 माइनस 3 इंटू 1। क्लियर, तो ये बन गया 1/2 मोड ऑफ 1 माइनस 3, 1 में से 3 गया -2, -2 का मोड कितना होता है 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर ये कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। अब आप i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 2 रखिए। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए डिटेल में कर रही हूँ, 1 मार्क में इतनी डिटेल में नहीं करना है हमने। तो ये हो जाएगा भाई a12, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। क्लियर, तो 1/2, 1 घटा 6, 1 में से 6 गया -5, -5 का मॉडुलस हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5/2। आगे बढ़े, अब हमें निकालना है a21, तो i के प्लेस पर 2 रखना है, j के प्लेस पर 1 रखना है, वर्बल करना है, मुझबानी करना है। 2 में से 3 गए -1, मॉडुलस 1, और 1 को 1/2 से करिएगा तो 1/2 आएगा। और a22 करोगे बेटा तो 1/2 i के प्लेस पर भी 2, 3 इंटू 2, 3 2 6, 2 में से 6 गया -4, -4 का जो मॉडुलस है वो प्लस का 4 आएगा, 2 को 4 से कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा। एंड कम टू द लास्ट, a31 की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर फोकस रखना है, तो i की जगह 3 -1, 3 में से 3, 0, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। एंड एट लास्ट a32, तो a32 जब आप करिएगा तो 1/2 3 -3 × 2। क्लियर, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 3 - 6, 6 में से 3 गया -3, 3 में से 6 गया -3, मॉडुलस 3, तो ये आ जाएगा 3/2। अब इन सभी वैल्यूज़ को हमने वहाँ पर पुट कर देना है। तो 1 1 के प्लेस पर आप रखोगे 1, 1 2 के प्लेस पर आप रखिएगा 5/2, 2 1 के प्लेस पर आप रखिएगा 1/2, 2 2 के प्लेस पर आप रखिएगा 2, 3 1 के प्लेस पर 0, और भाई 3 2 के प्लेस पर 3/2। तो ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनेगा। अगर आपको ऑप्शन दे रखा है तो उसमें से चूज करना और भी आसान है। अगर ये 1 वर्ड में आ जाता है तो फिर ये मैट्रिक्स आपने लिख कर आना है। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको विद फुल एक्सप्लेनेशन बता दिया है कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स की कंडीशन दे रखी है एलिमेंट्स के ऊपर, तो उस कंडीशन को यूज़ करके हम किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट
कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर टू भी सेम लाइन पर, अब हम इसे थोड़ा फास्टली करेंगे। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 हुज एलिमेंट्स आर दिस। तो अब इसे देखिए कि आपको एग्जाम में आ जाता तो आपने फटाफट कैसे करना है। तो ए आई जे आपका दे रखा है आई प्लस जे होल स्क्वेयर बाय टू, और 2x2 है तो आपने अपने आप आइडिया लगा लेना है 1 1 1 2 2 1 और भाई 2 2, ये चार एलिमेंट्स आपको चाहिए। तो ये चार एलिमेंट्स आपको चाहिए, फटाफट बना लो। 1 1 चाहिए, यहीं पर कर लो। 1 1 का मतलब देखिए, मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ फिर से, 1 1 1 2 2 1 और भाई 2 2, ठीक है। 1 1 का मतलब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, मैं तो वर्बल कर रही हूँ। तो 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वेयर बाय 2 यानी 4/2, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप 4/2 हमें सीधा पता है कितना आ जाता है 2। ये सब मैंने मेंटली कैलकुलेट किया है, मैंने पेन का यूज़ नहीं किया, आप भी कम से कम करें। लेकिन जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है उनको करना है कि भाई 1 प्लस 1 का स्क्वेयर बाय 2, 1 और 1 2 2 का स्क्वेयर 4 4/2 2 2 आ गया। हो गया फटाफट से। 1 और 2 यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे का स्क्वेयर बाय 2, 2 और 1 3 3 स्क्वेयर कितना हो गया 9/2 आ गया। ये यहाँ 2 और ये 1, तो ये 2 प्लस 1 का स्क्वेयर बाय 2 3 स्क्वेयर बाय 2 यानी 9/2, और 2 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 4 4 का स्क्वेयर 16 16/2 8। तो ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। और सेम लाइन पर आपका थर्ड क्वेश्चन है जो अब आपने अपने आप करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन प्लीज़ टेल मी, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ये सब क्वेश्चंस, ये 19 का है, ये 2011 और 19 का, और एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2014 में और 19 में आया है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। चले अब हम आगे। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने एक जैसे आपको बता दिए हैं, इसकी और ज़्यादा क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप एक्सरसाइज 3.1 में सब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, यू कैन प्रैक्टिस। कोई डाउट है आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे चलें, तो आगे है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देंगे, हमें ए दे रखा है एक मैट्रिक्स, ये आपको मैं यहाँ इसलिए लिख रही हूँ कि वहाँ से हमें प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज जब आप एग्ज़ाम में पेपर लेके बैठोगे तो आपके सामने ही स्टेटमेंट होगी और आपने कोशिश करनी है कि उस स्टेटमेंट को आंसर शीट पर ना लिखें, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है 2a + b। स्टेटमेंट पढ़ लें एक बार, ए दे रखा है हमें ये, बी दे रखा है ये, 2x3 दो रो 3 कॉलम। मैं कोशिश कर रही हूँ छोटी से छोटी बात आपको यहाँ रिवाइज करा सकूँ। 2x3 और फाइंड 2a + b हमने निकालना है। तो 2a का मतलब a के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो 2 से हर एलिमेंट को करना है तो कितना हो जाएगा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 प्लस बी 1 3 7 0 4 1, और इनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 8 में 1 1 9, 4 + 3 7, 6 + 7 13, 2 + 0 2, 10 + 4 14, 14 + 1 15, एंड दैट्स द आंसर। कई बार यहाँ दिक्कत कहाँ आ जाती है कि मे बी कि इधर कोई नेगेटिव टर्म है, मे बी उधर कोई नेगेटिव टर्म है, तो वहाँ सॉल्यूशन आपने थोड़ा ध्यान से करना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ भी 2018 का क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 5 भी 2018 का है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। वी आर गिवन अ मैट्रिक्स ए, क्या है ए, 1 4 3 2, एंड वी आर गिवन अनदर मैट्रिक्स बी, क्या है बी, -1 2 0 एंड 5। द मैट्रिक्स एक्स इज सच दैट, एक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है कि ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू ओ, जीरो मैट्रिक्स है ये। जीरो मैट्रिक्स को हम बड़ी जीरो से लिखते हैं, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो इसने क्या कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। इसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ ए भी कुछ नहीं रखना, आप पहले इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करें। एक्स माइनस में राइट में ले जाएं तो ये बन जाएगा ओ प्लस एक्स। ओ जीरो मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करो तो वो इट्सेल्फ आ जाता है। तो ये आ गया एक्स। एक्स क्या आ गया,
ए प्लस बी, यानी ए और बी को ऐड कर दोगे तो एक्स आ जाएगा, तो कर दीजिए ऐड। वन माइनस वन, अब ये ध्यान देना है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि कुछ एलिमेंट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में बी के एलिमेंट्स ऐड करने हैं। वन में माइनस वन ऐड करना है, जीरो, फोर में टू ऐड करना है, सिक्स, थ्री में जीरो ऐड करना है, थ्री और टू में फाइव ऐड करना है, सेवन, और ये एक्स आ जाएगा। लेट अस चेक, जीरो, सिक्स, थ्री और सेवन, और ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पांच क्वेश्चन थे, आगे और देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। अभी ये कुछ और क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, पांच पहले करा चुकी हूँ मैं, और ये 16 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको कराऊंगी और कुछ नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि वो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। सभी क्वेश्चंस पर मैंने आपको ईयर लिख दिया है कि किस ईयर में वो आए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से है तो मैंने वो एक्सरसाइज भी डाल दी है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको कराने जा रही हूँ, थोड़ा यहाँ पर अब आपको स्पेस थोड़ा कम लगेगा। 6 क्या है? एक्स, कैपिटल एक्स का मतलब ये एक मैट्रिक्स है, प्लस ध्यान देंगे ये वाला मैट्रिक्स है 1504, और ये किसके इक्वल है? 2331। तो देन एक्स इज, एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स बिल्कुल एलजेब्रा की तरह चलता है, आपको इसको सपोज वगैरह कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी कैलकुलेशन, एक्स को यहीं रखिए और ये मैट्रिक्स जो इधर है उसको राइट में ले जाएं तो वो इस मैट्रिक्स में से माइनस हो जाएगा, फिर सिंपल एलजेब्रा, तो ये बन जाएगा 2331 - 1504। क्लियर? जैसे ऐड करते हैं वैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 - 1, 3 - 5, 3 - 0 और 1 - 4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, 1, 3 में से 5 गए -2, 3 और -3, ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। हम देखते हैं हमारे पास ये ऑप्शन है तो ये हमारा सी पार्ट हो जाएगा। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये हमारा। आगे अब हम देखते हैं, ये इक्वालिटी पर बेस्ड है हमारे 2-3 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। देखिए, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये अब मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ कि 3x + 7, 5y + 1 और 2 - 3x, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स आपका क्या है? 5y - 2, 8 and 4। इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर, और ये हमारे पास ऑप्शंस है, हमने एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। तो वी नो व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो a11 के इक्वल होगा, इट मींस 3x + 7 = 5, सिंपल एलजेब्रा है, दिस इज इक्वल टू 5 - 7, 3x = -2 and x = -2/3। एक्स आ गया, कंपेयर करिए अब यहाँ से सेकंड एलिमेंट को, 5 = y - 2, 2 को इधर ले आएं तो ये हो जाएगा 5 + 2 = y, और y की वैल्यू आ गई 7। आप इसको यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, y + 1 = 8 है, तो जब आप यहाँ 7 रखिएगा तो 7 + 1 = 8, आ गया 8 हमारे पास, -2/3 रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल और ये 4 आ जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है x - 2/3 और y 7, जो कि पार्ट सी है हमारा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 फिर इक्वालिटी पर है, ये आपने खुद करना है, 2x + 3 = 6, 15, 2y - 4 इनके इक्वल है, 2x + 3 को 7 के इक्वल करिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, 2y - 4 को 14 के इक्वल करिएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट रहे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या मैंने टेलीग्राम पर भी आपके लिए ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसमें जुड़ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे वहाँ शेयर कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है तो इक्वालिटी का, लेकिन इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और इक्वालिटी, तीन कॉन्सेप्ट एक साथ आ रहे हैं। ईजीएस्ट चैप्टर है मैट्रिसेस, ईजीएस्ट चैप्टर है 12th क्लास का। तो ये देखें कि क्या है अब ये हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 2 × 1 = 0x प्लस बेटा आगे क्या है, y 0 1 2 = 5 6 1 और 8। ओके,
पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी, और फिर इसमें ऐड करना है, तो क्या बनेगा 260 × 2x। क्लियर? और ये वाला मैट्रिक्स हमने ऐड करना है। मुश्किल बिल्कुल नहीं था, मैं आपके लिए छोड़ भी सकती थी इस क्वेश्चन को, बट ये थोड़ा डिफरेंट है तो मैंने सोचा कि मैं आपको करा दूँ। तो अब ये देखिए, 2 में y ऐड करिएगा 2 + y, 6 में 0 ऐड करिएगा 6, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, और 2x में 2 ऐड करेंगे तो 2x + 2, और ये किसके इक्वल आ गया 5, 6, 1 और 8। अब कंपेयर कर लीजिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 + y 5 के इक्वल है, तो y आ गया हमारा 3, एंड दिस a22 = a22, तो 2x + 2 8 के इक्वल है, 2x 6 के इक्वल है, x 3 एंड वाई 3। अगर ऑप्शन है तो टिक कर दीजिए, नहीं है तो आंसर लिख दीजिए। ये रहा, ये देखिए, ध्यान से देखिए, x = y = 3, तो ये हमारा राइट ऑप्शन आ गया। सेम क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन है, आप अपने आप कर लीजिएगा। कॉलम मैट्रिक्स दे रखे हैं तीनों हमें, वो क्या बनेगा 2x 3x। हाँ, ये चलिए मैं बताती हूँ, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। ये कैसे है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देंगे बेटा, x 2 3, क्लियर, y −1 1, ध्यान देंगे y बाहर है, ये −1 1 है, और राइट साइड में 10 5 है। हाउ टू डू, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2x 3x, y को करेंगे −y y, और ये आ गया 10 और 5। ध्यान देना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है, तो 2x + −y, तो ये बन गया 2x − y, और ये बन गया 3x + y = 10 और 5। अब हम कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, 2 by 1, ठीक है ना, तो 2x − y = 10। अब इससे x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए, तो अब हम यहाँ फोकस करते हैं, तो 3x + y किसके इक्वल आ गया 5 के। अब हम अपना जो थर्ड चैप्टर 10th क्लास में आ जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ से अब इन्हें ऐड करेंगे, तो y से y कैंसिल, और ये बन जाएगा 5x = 15, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, और इस वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 5 − y = 10, 10 − y = 10 से 10 कैंसिल, और y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस ऊपर किए हैं उनमें x की वैल्यू और y की वैल्यू एक ही बार में निकल रही थी, बट हेयर x और y के लिए कोई सेपरेट इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन रही है, तो हमने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करना है। आगे चलते हैं, वर्बल क्वेश्चन है बिल्कुल। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 4, 3 by 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन एलिमेंट्स इन ईच कॉलम ऑफ ए आर, ए के हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये नहीं पूछा ए में कितने कॉलम हैं, कॉलम हमारे 4 हैं, ठीक है, लेकिन हर कॉलम में मैट्रिक्स कितने हैं, 3 है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर आपको समझ ना आए तो आप बना सकते हैं एक मैट्रिक्स इसी तरह का, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 और 2 4 और 3 1 3 2 3 3 और 3 4, ये कॉलम है, एंड ईच कॉलम कंसिस्ट 3 एलिमेंट्स, तो हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये बात अब आपने ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 12 आई विल नॉट सॉल्व, ये मैंने जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, क्योंकि मैं पहले 5 क्वेश्चंस में इनको करवा चुकी हूँ। 2 by 2 ऑर्डर का आपने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें aij है i − 2j का मॉडुलस, क्लियर, आप अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने अपने आप ट्राई करना है, इक्वालिटी है और केवल y निकालना है, कैसे, फर्स्ट पेयर को जब आप इक्वल करेंगे a11 को तो x की वैल्यू आ जाएगी, और उसको जब इस पेयर पर यहाँ रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल अपने इस क्वेश्चन की तरह ही थोड़ा बहुत है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, तो इसकी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर विजिबल है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं, a11 को a11 के इक्वल, तो 2a + 5b = 3,
और ये एलिमेंट जब हम कंपेयर करते हैं तो b प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, तो यहाँ से b आ गया 6 माइनस टू यानी 4, और b आ गया तो हम उस वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 2a प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 3, 2a प्लस 20 इज इक्वल टू 3, हमें निकालना क्या था, यस हमें तो केवल b फाइंड करना था, चलिए मैं यहाँ से आपको a भी बता देती हूँ, माइनस 17, और a आ गया माइनस 17 बाय 3, देखिए अब स्टेटमेंट मैंने रीड नहीं की थी, तो देन वैल्यू ऑफ b की वैल्यू तो 4 आ गई, तो हमें a को तो फाइंड ही नहीं करना। इसी आज के लेक्चर में हमने दो तीन टाइप के अलग अलग क्वेश्चन देख लिए हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू a की बार में निकल रही है y की, लेकिन इसके अंदर हमें x और y में लीनियर इक्वेशन बन रही है वो सॉल्व करना पड़ रहा है, इसमें से हम पहले x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं फिर y की ले रहे हैं। सेम यहां पर है कि पहले हमने b की वैल्यू निकाली है, अगर a की निकालनी होती, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, तो हमने b को यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। और क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आर फॉर योर प्रैक्टिस, ये ए मैट्रिक्स है ये बी है एंड आपको ए प्लस टू बी कैलकुलेट करना है, तो बी को टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, और 2x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमने बनाना है जिसका एलिमेंट है ए आई जे यानी आई माइनस जे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, या आप मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।